बुकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स चेक करवा लेते हैं। गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनके बाद हम कुछ और ट्रेड भी पता करेंगे। गौरव, गुड मॉर्निंग और नए साल की शुभकामनाएं, बताएं सर रिपोर्ट। जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्टीज हेल्थ केयर की, जहां पे नमूरा का मानना यह है कि कहीं पे हमें एबिटडा मार्जिन एक्सपांशन देखने को मिल सकता है और FY25 में ये जो एबिटडा मार्जिन है वो कहीं पे 20% के लेवल पे दिखने को मिल सकता है। और उसके अलावा कंपनी के अगर हम पियर्स के रिलेटेड अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वो भी कहीं पे चीप है और इसी के चलते हुए नमूरा ने बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 475 का दे रखा है। अगला स्टॉक जो है वो है सेलो वर्ल्ड, जहाँ पे ICICI का मानना यह है कि इंडस्ट्री ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहने वाली है और कंपनी के पास भी काफ़ी सारे ग्रोथ लिवर्स है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन हो गया और डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट्स हो गया और इसी के चलते हुए उन्होंने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो है वो 920 रुपीज़ दे रखा है। अगला स्टॉक जो है हमारे पास ब्रोकरेजेस के बेसिस पे वो है दालमिया भारत, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का मानना यह है कि कंपनी में कहीं पे हमें फोकस देखने को मिल सकता है कॉस्ट एफिशिएंसी में, इनोवेशन में और सस्टेनेबिलिटी में। उसके अलावा कंपनी काफ़ी एम्बिशियस है अपने ग्रोथ प्लान्स को लेते हुए भी और आगे जाके हुए उनका टारगेट ये है कि नेट डेट टू एबिटडा जो है वो कहीं पे उन्हें 2x के नीचे रखना है और इसीलिए दालमिया भारत के ऊपर मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग देके टारगेट प्राइस जो है वो 2800 का दे रखा है। अगला स्टॉक वो है जो है इमामी, जहाँ पे MK का मानना यह है कि कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो कहीं पे अच्छा रहेगा, Q3 में हमें कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम बात करें तो मिड सिंगल डिजिट में कहीं पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बट फिर से कहीं पे अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी के पास काफ़ी ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए 625 का टारगेट दे रखा है। अगले हम किसी बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक्स के ऊपर बैंक ऑफ अमेरिका का मानना यह है कि Q3 में हमें कहीं पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और कहीं PSU नामों बैंक्स में और इसी के चलते हुए कहीं पे जो निम्स का प्रेशर है वो कहीं पे ऑफसेट होते हुए देख सकता है। आगे जाके Q3 में निम्स का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छे तरह से कहीं पे ड्राइवर माना जाएगा बैंक्स के लिए और इसी के चलते हुए बैंक ऑफ अमेरिका ने कई बैंक्स पे अपग्रेड किया है अपना टारगेट प्राइस। जैसे HDFC बैंक पे उन्होंने अपग्रेड किया है टारगेट प्राइस 1950 रुपीज़ पे, इंडसइंड बैंक पे उन्होंने टारगेट किया है 1850 रुपीज़ पे, कैनरा बैंक पे टारगेट किया है 515 रुपीज़ पे और फेडरल बैंक पे उन्होंने अपना टारगेट बढ़ा के किया है 180 रुपीज़ और अपना बाय रेटिंग जो है वो भी कहीं पे बरकरार रखा है। तो आगे चलते हुए इन्हीं स्टॉक्स पे नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए भी। All right, Gaurav, thanks very much. ये सारे रिपोर्ट्स कंपाइल करके लाने के लिए बैंक्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग टारगेट्स हैं बोफा के और इनफैक्ट उन्होंने लार्ज कैप बैंक ज़्यादा चूज किए हैं। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक सब पे ही टारगेट प्राइस बढ़ाकर, हालांकि न्यूट्रल भी है एक्सिस बैंक पर, बाय रेटिंग आपकी इंडसइंड बैंक पे है, HDFC बैंक पर। एक बार समझ लेते हैं